मुझे लगता है कि जो फिश में जो डिफरेंट डिफरेंट उसके जो कलर्स उसके शेड्स होते हैं गुड मॉर्निंग गाइस, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे आप सब, आपका भाई एकदम ठीक है। और लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि लास्ट में मैं था द्वारका में, और द्वारका से मैंने हिचेकिंग की थी। द्वारका से जामनगर करीबन होता है 140 किलोमीटर, और काफ़ी बेहतरीन हमारी, काफ़ी एंजॉय किया था उस ट्रिप में। जो पहले एक अंकल मिले थे 20 किलोमीटर्स उसके ट्रक में मैं बैठ कर आया था, बाद में एक छोटा सा ट्रक मिला था आपने उस व्लॉग में देखा होगा। और एक भाटिया सिटी में मैं ठहरा था, जहां पर एक डेढ़ घंटे के बाद मुझे फिर से एक ट्रक मिला था 100 किलोमीटर्स के लिए। वहां से मैं जामनगर पहुंचा था। तो बहुत ही काफ़ी बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस रहा इस हिचहाइकिंग में। और फिलहाल अभी मैं पहुँच चुका हूँ जामनगर में। जामनगर यानी जो कोस्टल एरिया में ये एक बहुत ही सुंदर सिटी है। तो आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ ये जामनगर सिटी। तो अभी मैं आया हूँ लखोटा तालाब या लखोटा तालाब। तो ये आप देख सकते हैं, ये है पूरा लखोटा तालाब। तो यहाँ से शुरू होते हुए ये पूरा चक्कर लगाते हुए इस यहाँ पर एक लखोटा पैलेस है और म्यूज़ियम भी है उसके पीछे से। ये राउंड लगा के करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का ये बड़ा सा एक तालाब है, काफ़ी खूबसूरत है। बहुत ही यहाँ पर जो क्लीनिंग है बहुत ही अच्छी है। तो इसलिए आप यहाँ पर घूमने आते हो तो आपको नेक्स्ट लेवल आपका एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये लखोटा तालाब इस सिटी के सेंटर में है। आपने अहमदाबाद में जो कांकरिया लेक है वो आपने शायद देखा होगा, जो भी एक सिटी के सेंटर में ही है। और यहाँ के जो महाराजा थे, तो 19th सेंचुरी में यहाँ के महाराजा जाम रणवल सेकंड ने ये पूरा जो आप देख सकते हैं ये महल और ये तालाब की रचना की थी। तब उस टाइम में क्या था कि ये पूरा जामनगर एक नवा नगर स्टेट के अंदर आता था। तो वहाँ पर ये एक महल है और इस तरफ एक भुजिया कोठा करके एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। कल वहाँ से मैं पसार हो रहा था तो मैंने देखी थी। तो पहले क्या होता था कि बड़ी बड़ी जो दीवारें होती थी राजा महाराजा के टाइम में, तब यहाँ पीछे एक भुजिया कोठा है और इस महल से एक बहुत बड़ी दीवार जो कनेक्ट होती थी, जो कि नवा नगर में एंटर होने के लिए ये एक प्रवेश द्वार था। और एक छोटा सा टापू है यहाँ पर, तो ये है इसका गेट। और फिलहाल अभी वहाँ पर एक हिस्टोरिकल म्यूज़ियम है, तो अभी तो क्लोज है। और ये है गेट उस जो पहले से उसे कनेक्ट करता है ब्रिज से। तो आप देख रहे हैं ये एक बड़ी सी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, एक भुजियो कोठो नाम से एक प्रचलित है। तो आप शायद भुज गए होंगे तो वहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसा ही एक किला है, एक फोर्ट है ऐसा ही, जो डायरेक्ट कनेक्ट होता था उस पैलेस से, लखोटा पैलेस से। और भाई इस तालाब को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। कई साल पहले ये तालाब और ये सब हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर बने होंगे, लेकिन आज भी आपको ऐसा ही लगा गया कि थोड़े साल पहले ही इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। और बहुत ही साफ़ सफाई है पूरे तालाब की,
यहाँ पर ये पूरा वॉकिंग ट्रैक है पूरे तालाब के चारों ओर। तो यहाँ सुबह सुबह सभी वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, टहलने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ये हम एंटर हो चुके हैं म्यूज़ियम में, जहाँ पर चिड़ियाघर है और शायद एक्वेरियम भी है। एक्वेरियम, सिटी गैलरी, पिक्चर गैलरी और फोटो गैलरी। तो भाई ये शाहमरुग है कि इमू, आप ही बताइए कमेंट में। मुझे लगता है कि जो फिश में जो डिफरेंट उसके जो कलर्स, उसके शेड्स होते हैं, वो आपको दूसरे किसी भी जीव जंतु प्राणी में नहीं मिलेंगे देखने के लिए। तो इस तरफ है एक्वेरियम। तो ये है पूरा एक्वेरियम। तो एक्वेरियम से बाहर निकलते ही इस तरफ है चिड़ियाघर। तो पीछे अभी हमने देखा एक्वेरियम और बर्ड्स काफ़ी सारे देखे। इस साइड भी है बहुत सारे बर्ड्स। तो बर्ड्स के बाद अभी चलते हैं यहाँ सिटी म्यूज़ियम में। आप कोई भी सिटी में जाते हो तो वहाँ पर जो म्यूज़ियम है उसकी ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए, क्योंकि उस सिटी के बारे में, वहाँ के जो राजवंश थे उसके बारे में, उसकी खासियत क्या है उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से नॉलेज मिलेगा, ताकि आप उस सिटी को अच्छी तरह से जान सके।
तो ये है भाई फोटो गैलरी, ये है जाम महाराजा श्री दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी बापू, और ये है जाम महाराजा श्री शत्रु सिंह जी दिग्विजय चौधरी बापू। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से लेके लास्ट में जो यहाँ पर शासन किया था जिस महाराजा ने, उसकी बहुत ही बड़ी एक कैनवास पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है। और यहाँ से बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है पूरे तालाब का। ये है सामने, आप देख सकते हो शायद, ये है श्याम रणजीत सिंह की महाराजा की ये सब फोटो। आपको मालूम ही होगा कि हमारे जो क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी जो खेली जाती है वो यहाँ जामनगर के ही महाराजा श्याम रणजीत सिंह महाराजा, वो बहुत ही अच्छे प्लेयर थे क्रिकेट में, अपनी टीम थी सबसे बढ़िया, और उसी की याद में ये रणजी ट्रॉफी खेली जाती है। तो वहाँ महाराजा की सिग्नेचर और सब फोटो। यहाँ पर लिखा है कि जामनगर में जो ज़्यादातर उद्योग है जो ब्रास के बहुत सारे जो डिफरेंट जो पार्ट्स बनाते हैं इसके बारे में, जो जहाँ पर कास्टिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग और स्लॉटिंग भी होता है, तो ये सभी आप देख सकते हैं। और ये है भाई बांधनी साड़ी, जिसकी शुरुआत ही यहाँ पर हुई थी, इसकी प्रिंटिंग भी यहाँ पर हैंडमेड होती है, तो अभी ये पूरे इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और ये सुरमा काजल वो भी यहाँ पर बनता है, कुमकुम, और ये कांच की बेंगल्स।
तो ये पूरा तालाब का वॉकिंग ट्रैक का चक्कर लगा के वापस मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। हमें जाना था यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर शूटिंग अलाउड नहीं है। तो वहाँ पर एक हिस्टोरिकल म्यूज़ियम है जहाँ पर यहाँ पर जो एम्पायर था, यहाँ पर जो जाम राजा थे, यहाँ के किंग्स थे, उस टाइम के जो हथियार थे, उस टाइम की जो चीज़ वस्तुएँ थी वो सारी वहाँ पर कलेक्शन उसका रखा गया है। कई सारे फ़ोटोज़ आपने आगे पिक्चर गैलरी और म्यूज़ियम एक्वेरियम तो देखा ही होगा। तो ये है कुछ यहाँ का सीन। और 18th सेंचुरी तक जो मिट्टी के, जो पहले के टाइम के जो मिट्टी के बर्तन थे कुछ हिस्टोरिकल, वो भी उसका वहाँ पर कलेक्शन है। तो ये आप बर्ड्स देख सकते हैं इधर। और आप जब भी जामनगर आते हैं तो बिल्कुल ना भूलिए यहाँ पर लाखोटा लेक या फिर रणमल लेक, यहाँ पर आइए। तो शाम के वक्त इस ये पूरा तालाब और ये पैलेस लाइटिंग से, रोशनी से काफ़ी लाजवाब ब्यूटीफुल दिखता है। मैंने कल शाम को देखा था। आप वहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑडिटोरियम है वहाँ पर, जो फाउंटेन शो भी होता है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो गाइस इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप अगर इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से आपके भाई को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, ऐसे ब्यूटीफुल नज़ारे देखते रहिए मेरे व्लॉग के ज़रिए। तो मिलते हैं एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।